बंदूक हटाओ। आइए राजा ठाकुर, सुन के बहुत अच्छा लगता है कि जब तुम गरीबों की शादी करवाते हो। हमको भी खुशी होती है विक्रम सिंह, जब हम किसी को जमीन से उठकर आसमान पर पहुंचते देखते हैं। लेकिन दुख तब होता है जब वो जमीन छोड़कर आसमान में उड़ने लगता है। मतलब किशनगंज के बच्चे बच्चे को मालूम है कि भानु प्रताप सिंह की बेटी नंदिनी की शादी। राजा ठाकुर, मेरे पर्सनल मामले से दूर रहो तो अच्छा होगा। देखो विक्रम सिंह, इस गांव की हर लड़की हमारी बहन है, और हमारी बहन का मामला तुम्हारा पर्सनल मामला नहीं हो सकता। ओ, तो हिरण का शिकार करते करते तुम्हें अपने बहादुरी पर इतना एतबार हो गया कि तुम शेर की गुफा तक आ गए। हम तुमको समझाने आए थे, ये याद दिलाने कि जिस भानु प्रताप नाम के पेड़ की छाया में इतने दिन रह के उड़ना सीखा, आज उसके पतझड़ के समय। बस राजा ठाकुर, बहुत हो गया। आज एक लड़की का भाई तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा है। विक्रम सिंह अपना फैसला नहीं बदल सकता, और राजा ठाकुर आखिरी सांस तक अपना वादा निभाता है। हम तो चाहते थे कि मामला शांति से निपट जाए तो अच्छा रहेगा। राजा ठाकुर, एक बात हमेशा ध्यान रखना, करण कोई मामूली आदमी का बेटा नहीं, बाहुबली विक्रम सिंह का एक लौता बेटा है। ताकत के घमंड में ये मत भूल जाना कि नंदिनी हमारी यानी कि राजा ठाकुर की बहन है। और सुनो, नंदिनी और करण की शादी में आशीर्वाद देने तुम ही आओगे, ये हमारा तुमसे वादा भी है और दावा भी। ठीक लग रहा है, बात करें क्या? हाँ, बात करूं ना। यादव जी, मेरी एक ही लड़की है ज्योति, और वो एमए पास है। हाँ तो मैं क्या करूँ, इस पे रेट लिखा हुआ है, समझे ना। और इसके अलावा टीवी, फ्रिज और हीरो होंडा, ये सब अलग से चाहिए। ये सब मैं नहीं दे सकता। अरे तो नहीं दे सकते हो तो क्यों आए हो यहाँ पे? सुनो, तुम्हारे जैसे न ग्राहक की कमी है यहाँ पे और ना ही दुल्हन की। मेरी बेटी सुंदर, सुशील, संस्कारी और बहुत गुणी भी है। अरे तुम्हारे जैसे हर माँ बाप को अपनी बेटी में यही गुण दिखता है, समझे कि नहीं? चलो जाओ यहाँ से, भिखारी कहीं के। डॉक्टर लड़के, सुनो, चलो राजा ठाकुर के पास चला जाए, वही कुछ करेंगे, है ना? चलो। ओम नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा, सारे दुल्हों को बुलाइए। ओम नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा,
बैठिए बैठिए बैठिए, अब सारे दुल्हनों को लेकर आइए। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरे। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम नमः स्वाहा, 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 ओम नमः स्वाहा। सदा सुहागन रहो। ढेर सारा आशीर्वाद। सदा सुखी रहो तुम लोग। और सुनो, आज से तुम लोग राजा ठाकुर के संबंधी हो गए। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर, किसी भी समय अगर तुम लोगों को राजा ठाकुर की जरूरत पड़े तो याद कर लेना। लेकिन हां, अगर हमारी बहू बेटियों को कोई कष्ट हुआ तो मैं इस रिश्ते का लिहाज नहीं करूंगा। बहू बेटी में कभी कोई फर्क मत समझना यादव। अगर बहू बेटी को प्यार दोगे तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। जबरदस्ती की शादी कराना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं। पति पत्नी का जोड़ा जहां ऊपर बनता है उसको तुम लोगों ने धंधा बना दिया है। लड़के की पढ़ाई का और दूध का खर्चा लड़की के बाप का खून चूस के वसूल करना चाहते हो। प्रणाम राजा ठाकुर। हे बाबू दीपक, ये कभी मत भूलना कि ज्योति के बिना दीपक का कोई अर्थ नहीं होता। ज्योति अगर बुझ गई तो दीपक का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सारे लोगों का रेट आदि देखने के बाद यह ठेका विक्रम सिंह को दिया जाता है। अरे जब ये ठेका विक्रम सिंह को ही देना था तो ये नाटक करने की क्या जरूरत थी। सीधा विक्रम सिंह के हाथ जाते और वहां से मिठाई ले आते। आपके कहने का मतलब क्या है। वही जो आप समझना नहीं चाहते हैं। देखिए, ये सारा काम सरकारी नियम के अनुसार हो रहा है। अब आपकी विक्रम सिंह से क्या दुश्मनी है ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन साहब आप, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल से हर साल टेंडर मैं भर रहा हूँ लेकिन ठेका मिलता है सिर्फ विक्रम सिंह को। क्यों? क्या पूरे जिले में विक्रम सिंह के अलावा और कोई नहीं है जो ये काम करवा सके। ज्यादा चिल्लाओ मत, नहीं तो धुआं धुआं हो जाओगे। चुप हो जाओ। देखिए, मैं ये सब कुछ नहीं जानता। नमस्ते। नमस्कार। प्रणाम। ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं। साहब सारा काम नियम से हो रहा है। ये देखिए, ये है यादव जी का रेट और ये है विक्रम सिंह का। मिस्टर यादव, जब आपके रेट से विक्रम सिंह का रेट कम है तो फिर इसमें गलत क्या हुआ है। हुजूर डीएम साहब, जरा ये भी तो देखिए कि कितना रेट कम है। 2 साल पहले 7 रुपया रेट कम था, पिछले साल 9 रुपया और इस साल यही कोई लगभग 14-15 रुपया कम होगा। जबकि मेरे काम की क्वालिटी देखिए। और एक बात मैं आपसे पूछता हूँ डीएम साहब,
कि किस सरकारी नियम से मेरा रेट पहले लीक हो जाता है? लगता है तुम्हारा कैसेट बंद करना पड़ेगा। चुप। मिस्टर राय जी, अगर 15 रुपए ज्यादा देके हमें अच्छी क्वालिटी मिले तो इसमें हर्जी क्या है? आप ये ठेका मिस्टर यादव जी को दे दीजिए। सर ये क्या कर रहे हैं आप, तहलका मच जाएगा। तहलका? सर ये नियम विरुद्ध है। ठीक है, तो ये नियम विरुद्ध काम हम ही कर देते हैं, आप पर कोई आंच नहीं आएगी, जो होगा हम देख लेंगे। लेकिन साहब वो विक्रम सिंह। लगता है डीएम साहब की रात की नींद हराम होने वाली है। कौन है इतनी रात को? हेलो, डीएम वर्मा स्पीकिंग। वर्मा, शमशेर सिंह बोल रहा हूं, मंत्री शमशेर बहादुर सिंह। जी सर। आज पीडब्ल्यूडी में क्या नाटक किया है? नाटक? हाँ नाटक। जब टेंडर विक्रम सिंह के नाम से खुल गया था तो वहां जाकर यादव के नाम से ठेका क्यों दिया? डीएम गिरी दिखाना जरूरी था। सर मैंने अमाउंट ही नहीं सारे डिटेल्स भी चेक किए हैं, अगर 10 रुपए ज्यादा देके अच्छी क्वालिटी। चुप, मारो गोली क्वालिटी को, कल जाकर टेंडर कैंसिल कर दो। मुझसे नहीं होगा सर। ए डीएम, तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? मालूम है, लेकिन हम गलत काम नहीं कर सकते। तो मैं तुम्हारे फोन रखने से पहले ही मंत्री की हैसियत से टेंडर कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मालूम है मुझे, आप मेरा ट्रांसफर कर सकते हैं। तुम नहीं जानते, तुम नए आए हो, जिस सांप की पूंछ पर तुमने पैर रख दिया है उसके जहर के बारे में तुम जानते नहीं हो। सर मैं अपने फर्ज से गद्दारी नहीं कर सकता, आप मेरा ट्रांसफर कर सकते हैं, मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सर क्या बात है, अचानक आपने हम सबको बुला लिया? मैं विक्रम सिंह के बारे में जानना चाहता हूँ, कौन है ये? सर सुना है बहुत बड़ा ठेकेदार है और थोड़ी बहुत पहुंच वाला है। एसपी साहब मैं अनऑफिशियल पूछ रहा हूँ, खुल के बताइए। सर आप तो जानते ही होंगे, बड़ा ठेकेदार कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, पहुंच वाला है, बाहुबली है, हालांकि पर्सनली उसके ऊपर कोई केस नहीं है। सर वो राजनीति में तो नहीं है, लेकिन इस जिले की राजनीति वही संचालित करते हैं। इंद्रेश जी आपका क्या ख्याल है? साहब आप बड़े लोगों के सामने मैं क्या बोलूं साहब, लेकिन जब आप पूछ ही रहे हैं तो इतना जरूर कहूंगा साहब, वो बहुत खतरनाक आदमी है, उससे दुश्मनी लेना हमारे ख्याल से समझदारी नहीं होगी साहब। सर एक बात और बताऊं, उसकी इतनी दहशत है कि लोग उसके नाम से थर्राते हैं, यहाँ तक कि कोई भी आदमी उसके खिलाफ मुंह नहीं खोलता। कौन हो तुम लोग और ये सब क्या है? विक्रम सिंह को तेज आवाज पसंद नहीं है, बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा एक बात बताओ एसपी साहब, आज तक हमसे कोई परेशानी हुई? नहीं नहीं, आपसे तो किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। दरोगा जी कितने साल से हो इस जिले में? 5 सालों से। कभी हमने तुम्हें सताया? नहीं सर। फिर ये वर्मा 2 महीने में हमसे परेशानी क्यों मोल ले रहा है? देखो डीएम साहब मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा, हंसी आ रही है। आ रही है ना राय साहब? हाँ विक्रम साहब। तो हंसो हंसो ना सब लोग, हंसो 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 हंसो। स्टॉप इट। स्टॉप तो मैं तुम्हें करने आया हूं डीएम, अगर 48 घंटे के अंदर अगर तुम ये जिला नहीं छोड़ देते तो 49वें घंटे में तुम्हारे घर के सामने श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ लग जाएगी। चलो यहां से। सुना ना ठाकुर साहब,
राजा ठाकुर ने अपना काम कर दिया। तो क्या गलत कर दिया? जब कोई अपने बेटे को आलू गोभी की तरह बाजार में लेके बैठेगा तो दो ही चीज होगी, या तो कोई खरीदेगा या छीन के ले जाएगा। सही कह रहे हैं। आ वाह माथुर साहब। ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्ते। इतनी सुबह सुबह? नमस्ते। आओ बैठो, क्या बात है? बस ऐसे ही सोचा कि आपके दर्शन भी हो जाएंगे और एक बात कहनी थी। क्या बात है? वर्मा जी तो गए लंबी छुट्टी पे। अभी तो 3 घंटा बाकी हैं। चार्ज तो तुमको ही मिलेगा। जी जी जी। परमानेंट चाहिए? अब आप जैसा चाहें। मंत्री जी, माथुर साहब हमारे खास आदमी हैं। वो तो समझ गया। हाँ बोलो, कौन सा जिला चाहिए? अब मैं क्या बताऊँ, ठाकुर साहब की छत्र छाया में रहूंगा तो ज्यादा सुखी रहूंगा। बहुत समझदार है। ठीक है ठीक है, आज से यहाँ का डीएम माथुर, यही रहो। बहुत मेहरबानी आप सबकी, बहुत मेहरबानी। जी ठाकुर, जाइए ऐश कीजिए। अच्छा प्रणाम, जाइए। हाँ हाँ, चलो चलो। अपना ध्यान रखिएगा। हाँ जी ठाकुर साहब। जाओ जाओ। ठाकुर साहब, वो टेंडर मैंने कैंसिल कर दिया है, फिर नए सिरे से होगा। ये यादव पागल हो गया होगा, खाना सामने आके भी खा नहीं पाया, देखते हैं अब वो क्या करेगा। क्या बोला सरकार? सब काम ठीक हो रहा है ना? सब काम ठीक हो रहा है सरकार। शाबाश शाबाश, लगे रहो लगे रहो। चलो काम करो, चलो, चलो काम करो सब लोग। अरे खुश रहा, खुश रहा, खुश रहा। और यादव बहुत दिन से आया नहीं, सुने हैं कि तुम्हें ठेका मिल के भी तुम्हारे हाथ से निकल गया। बहुत दुख हुआ। मेरे दिल में आग लगी हुई है भैया, और ये आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक मैं विक्रम सिंह को नीचा नहीं दिखाऊंगा, उसे हराऊंगा नहीं। उसे हराना इतना आसान नहीं है। मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी मदद? मैं क्या, पूरे गांव में विक्रम के खिलाफ कोई नहीं खड़ा होगा। भैया मेरे लिए एक बार मेरे साथ उसके खिलाफ खड़े हो जाइए। अब वो शक्तिशाली हो गया है। भैया मैं उसे कमजोर देखना चाहता हूँ, कमजोर देखना चाहता हूँ भैया। उसे कमजोर करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए तो मैं चाहता हूँ उसे कमजोर करूँ भैया। उसकी एक ही कमजोरी है, उसका बेटा करण जो विदेश में पढ़ता है। अच्छा, मुझे उसका पता बताइए भैया। उसकी जरूरत नहीं है, वो अपनी पढ़ाई पूरी करके परसों हिंदुस्तान आ रहा है। तो सोच लीजिए भैया, परसों से उसका बुरा दिन शुरू हो गया, शुरू हो गया भैया। मैं चलता हूँ भैया। खुश रहो यादव, खुश रहो, खुश रहो। चलो यादव, तुम्हारे कंधे पे बंदूक रख के। अरे बाप रे, ये रास्ता जैसे छोड़ के गया था वैसा ही है मुन्नू। हाँ भैया बिल्कुल ऐसे ही। लोकल विधायक कौन है यहाँ का? अरे भैया वही गंजा वाला। क्या हुआ? अरे ये रास्ता क्यों बंद है? बाहर निकलो करण बाबू। अरे देखो तो मैं तुम्हारे स्वागत के लिए कितनी बड़ी फौज लेके आया हूँ। बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। निकल बाहर, निकल बाहर, निकल। भैया संभल के। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे? मुझसे क्या दुश्मनी है? तुझसे नहीं, तेरे बाप से है। मेरे नाम के टेंडर पे बार बार वो अपने नाम की मुहर लगा देता है। अब देखना कि कैसे मैं विक्रम सिंह का टेंडर खोलता हूँ। ठाकुर साहब, यादव के पास ज्यादा आदमी है, आप कब तक चुप रहेंगे? इसको इसकी औकात बता देनी चाहिए। चिंता मत करो अब्दुल, ये शेर का लड़का है, शेर का। ऐसे 10 जानवर मिलके भी शेर को परेशान कर सकते हैं, लेकिन उसका शिकार नहीं। तुम लोग सिर्फ खेल देखो, खेल। चलो यहां से, चल चल।
चलो भैया चलो। रुक जाओ, ये हम लोगों पे भारी है, मैं बाद में देख लूंगा इसे। चलो अभी यहाँ से चल। है तेरी तो। मनु। हाँ भैया। अंदर बैठ के क्या कर रहा है, ये ले। भैया मैं थोड़ा डर गया था, पर क्या मारा आपने, मजा आ गया था। ये लोग मुझे अंग्रेज समझ रहे हैं, भले ही मैं विदेश में रहता हूँ लेकिन हूँ तो विक्रम सिंह का खून ना। चलो बंदूक अंदर। चरण हमारे बेटे। पापा पापा पापा। पापा खुश रहो बेटा, जीते रहो। प्रणाम। हाउ यू डैड। और सब ठीक? शेर का बेटा है तो शेर का। जाओ तुम लोग अपनी गाड़ी में, चलो बेटा। हाँ। चलो। और करण बेटा, विलायत में सब ठीक था ना? कोई गोरी मेम तो नहीं पसंद कर लिया? पापा, इंडिया बहुत अच्छा है पापा। रोमांटिक बाप का रोमांटिक बेटा। चलो गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। घर पे आजकल आपने बहुत ध्यान दिया है। उतरो करण, घर आ गया। हाँ मम्मी। कैसे हो बेटा? प्रणाम मम्मी। लो तुम्हारा लाडला आ गया। बेटा वहाँ ठीक से खाता पीता नहीं था क्या? कितना दुबला हो गया है तू। मम्मी यहाँ आ गया हूँ ना, तुम्हारे हाथ से बनी रोटी खाऊंगा, अपने आप मोटा हो जाऊंगा। मेरा बेटा। मम्मी। काका काका, ये कबाड़ कहाँ रखूं? ये सब क्या है? अरे कुछ नहीं, रास्ते में हमारे शेर से कुछ भेड़िया आके लड़ गए थे। हे भगवान, मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो? चिंता मत करो, शेर की औलाद है, शेर की। विक्रम सिंह का बेटा है ये। काका मेरा हाथ दर्द कर रहा है। मानो हमारे भाग में तुम ही थे क्या? जाओ कोटी के पीछे रख दो। ठीक है, बहुत भारी है। चलो बेटा। पापा यू कैन नॉट चेंज। करण बेटा, विलास से आए हो, थक गए होगे, जाओ फ्रेश होके आराम कर लो। जाओ के मम्मी। जा बेटा। आओ भाग्यवान, चलो बैठते हैं। सुन रहे हैं? आप पे तो मेरा बस नहीं चला, लेकिन मैं अपने बेटे को आप जैसा नहीं बनने दूंगी। बड़ी किस्मत वाली हो जो हमारे जैसा पति तुम्हें मिला है। नहीं, मुझे ऐसा नसीब नहीं चाहिए था। अरे तुम्हें तो ऐसा पति मिलना चाहिए था जो हल जोत कर आए और तू रोटी सब्जी बना के उसे देती और बैठ कर हवा करती। अरे क्यों नहीं कहा अपने पिता से, कोई ऐसा दामाद ही खोज लेते। मेरे बाबूजी ने तो आप जैसे को ढूंढा, लेकिन हल चलाने वाला बंदूक चलाने लगा तो उसमें उनका क्या दोष? अच्छा चलो छोड़ो, आज तक कोई आदमी अपनी बीवी से बहस पे जीता है? जो हम जीतेंगे। मैंने तो हथियार डाल दिया। अब जाओ, तुम्हारा बेटा फ्रेश हो गया होगा, खिला पिला कर मोटा कर लो। मुझे जरा शंकर से बात करनी है। जाओ जाओ मदर इंडिया, जाओ। जा रही हूँ। जानकी। क्या बात है जी, क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? अरे ये देखो शंकर क्या कह रहा है। क्या बात है बोलो? करण बाबू आ गए। अच्छा, अरे ये तो बहुत बढ़िया खबर सुनाई तुमने। अरे जरा धीरे बोलो, अभी नंदिनी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। हे भगवान, आज तो हम खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, हमारी इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, हमारे बचपन का प्यार आ रहा है, हमारा मंगेतर आ रहा है। अब हमारे बचपन का सपना पूरा हो जाएगा, हमारा घर बस जाएगा। नंदिनी नंदिनी, ये क्या कर रही है? अपना घर बना रही हूँ। अपना घर? हाँ, बड़े होकर हम इसी घर में रहेंगे। मिट्टी के घर में? हाँ। मैं मिट्टी के घर में नहीं रह सकता। हाँ।
नंदिनी चुप हो जा, चुप हो जा। देख मैंने तेरे लिए नया घर बनाया है, हम बड़े होकर इसी घर में रहेंगे। सच में कभी हमारी याद आती है। अब ए बेटी कुछ नहीं, क्या कर रही है? कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं। चल खाना खा ले, खाना तैयार हो गया है, आ जा। हाँ माँ चलिए। चल। ये तोहफा आज नहीं तब दीजिएगा जब मेरा बेटा करण और तुम्हारी बेटी नंदिनी शादी के लायक हो जाएगी। तब इसे देखते ही मैं समझ जाऊंगा कि पंडित को बुलाकर मुहूर्त निकलवाना है। शंकर जी मालिक, ये बड़ा कीमती तोहफा है, बस ये समझो कि इसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता है। हाँ। तुम इसे ले जाकर अपने मालिक को दे दो। हाँ? हमारे मालिक तो आप हैं। अच्छा अच्छा मैं ही हूँ, बस तुम इसे ले जाकर मालिक को संभाल के देना और देखो कहीं गिरा मत देना। अच्छा मालिक। प्रणाम राजा ठाकुर। प्रणाम। क्या मिश्रा जी, क्या हाल चाल है? हमारी बहन सुखी है ना? जिस लड़की का भाई राजा ठाकुर हो आखिर उसे कोई दुख कैसे हो सकता है राजा ठाकुर? अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, हम तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। राजा ठाकुर हम गरीबों के लिए आप भगवान हैं। हम भगवान नहीं हैं, हम तो बस समाज के सेवक हैं। हालांकि कुछ लोग हमको गलत समझ सकते हैं लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। हाँ, जब हम किसी गरीब की शादी ब्याह करवाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम अपनी बहन रंजू की शादी कर रहे हैं। राजा ठाकुर, राजा ठाकुर, राजा ठाकुर, राजा ठाकुर, राजा ठाकुर। अरे हाँ हाँ मनोहर, क्या हुआ मनोहर बोलो। राजा साहब, वो मेरी बेटी ज्योति को। क्या हुआ ज्योति को? मेरी बेटी ज्योति को जलाकर मार दिया। ज्योति? ये क्या हो रहा है राजा ठाकुर? बकवास बंद करो, ज्योति कहाँ है? राजा ठाकुर वो तो स्टोव फटने से। खामोश। दीपक कहाँ है? राजा ठाकुर मैं सही बोल रहा हूँ, इसमें दीपक की कोई गलती नहीं है। राजा ठाकुर की अदालत में सुनवाई नहीं सिर्फ फैसला होता है, इंसाफ होता है। दीपक कहाँ है? राजा ठाकुर उसे माफ कर दीजिए, राजा ठाकुर उसे माफ कर दीजिए। नहीं, हमने पहले ही कहा था कि अगर ज्योति बुझ गई तो दीपक का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। नहीं राजा ठाकुर, अरे वो मेरा मेरे घर का चिराग है राजा ठाकुर, ऐसा मत कीजिए राजा ठाकुर। और ऐसे कुल के चिराग का बुझना दुनिया के लिए एक सबक होगा उदय, सबक। हाँ? नहीं राजा ठाकुर, नहीं राजा ठाकुर माफ कर दीजिए उसे, नहीं राजा ठाकुर माफ कर दीजिए उसे, माफ कर दीजिए।
ठाकुर, छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो मेरे बेटे को। इतना निर्दयी मत बनो राजा ठाकुर, ये मेरे घर का आखिरी चिराग है राजा ठाकुर। राजा ठाकुर सब हो जाएगा ना? कोई चिंता नहीं है। नहीं कोई बात नहीं। नहीं मंत्री चाचा नमस्ते, नमस्ते। अरे खुश रहो, खुश रहो। मिनिस्ट्री है भी आपके पास? अरे अब तो सारी मिनिस्ट्री मेरे पास ही है, कोई बात नहीं है। थैंक यू डैड। और आगे क्या प्लान है? अभी तो सोच ही रहा हूँ, वैसे जो मेरी डिग्री है उसके आधार पर तो काफी काम मिल जाएंगे। अब मान लो सरकार की तरफ से तुमको डैम बनाने का पूरा प्रोजेक्ट मिल जाए तो? इससे अच्छा क्या हो सकता है, लेकिन मैं तो अभी फ्रेशर हूं ना, एक्सपीरियंस तो है नहीं। उसकी चिंता छोड़ दो, मैं हूं ना। तुम खाली हाँ और ना बोलो बेटा, विक्रम सिंह के बेटे हो, छोटी बात मत करो। ठाकुर साहब समझ लीजिए ये प्रोजेक्ट आपके बेटे को मिल गया। थैंक यू। अच्छा बेटा अब तुम जाओ। खुश रहो, खुश रहो। ठाकुर साहब मैं सोच रहा हूँ बेटी पिंकी और करण। धीरज रखो मंत्री जी, हर चीज का एक समय होता है। मालिक, ठाकुर भानु प्रताप जी ने ये तोहफा आपके लिए भिजवाया है। जाओ मालकिन को दे दो, उन्होंने कहा है कि आपको। शंकर तुमसे जितना कह रहा हूँ उतना करो, जाओ मालकिन को दे दो। अच्छा मालिक। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। प्रणाम। प्रणाम मंत्री। कब डोली लेकर आओगे? तो ये साइड है। गुड। मनु। हाँ भैया। अगर यहाँ के लोकल आदमी का सपोर्ट मिल जाए ना तो काम बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। ए, यहाँ आओ, इधर आओ। इधर आना। जी साहब। हम यहाँ किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आए हैं। जी। हमें ऐसा पता चला है कि यहाँ बारिश में बहुत बारिश होती है और गर्मी में सूखा पड़ जाता है। हाँ वो तो हो जाता है, लेकिन क्या किया जाए? अगर यहाँ पर एक डैम बना दिया जाए। हाँ? तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी ना। डैम बने तब तो? क्यों, अगर कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो बनेगा ही ना। डैम तो हर साल बनता है और बाढ़ में बह जाता है साहब। क्या मतलब? छोड़िए इस बात को साहब, अब हम क्या बोलेंगे साहब? बात क्या है, मैं विक्रम सिंह का बेटा हूँ, मेरा नाम करण सिंह है, जानते हो? हाँ जानता हूँ साहब, मुझे ही क्या, यहाँ सबको पता है। हाँ मनु। हाँ? ये आदमी कहना क्या चाहता है? पता नहीं, यहाँ कोई नहीं बताएगा करण बाबू। आपकी तारीफ। बिरजू वैसे परेशान क्यों है करण बाबू, दो चार दिन का ही तो काम है।
दो तीन दिनों में डैम बन जाएगा। जरूर बन जाएगा, आपके पापा के आशीर्वाद से, ठाकुर विक्रम सिंह के आशीर्वाद से दो चार दिन में डैम बन जाएगा। हे मिस्टर, तमीज से बात करो, तुम्हें नहीं पता है कि तुम मेरे पापा पे इल्जाम लगा रहे हो। यही सच्चाई है करण बाबू, ठाकुर विक्रम सिंह के दहशत से यहाँ कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। दहशत से? हाँ हाँ करण बाबू, हम तो इसलिए बता दिए कि आप बाहर से आए हैं, आपको पता नहीं होगा। अगर इल्जाम गलत साबित हुआ तो? चलिए अपनी आंखों से देख लीजिए, आइए चलिए आइए आइए। ए विमला, तुम्हारा बच्चा क्यों रो रहा है? क्या करें भैया, भूखा होगा तो दूध पिला दो। तुम तो जानते हो ना, ये काम विक्रम सिंह का है। बच्चा तो रोकर चुप हो जाएगा भैया, लेकिन अगर मैं काम छोड़कर यहाँ आई तो हमें कल से भूख से मरना पड़ेगा। एक काम करिए, पहले जाके बच्चे को दूध पिलाइए। बिरजू, सबसे पहले ये पता करना होगा कि हर साल जो बांध बनता है उसकी गणित क्या है। तुम कल डीआरयू ऑफिस में मिल सकते हो? हाँ भैया। हाँ, मुझे लगता है कि इस बांध की बुनियाद में कोई बड़ा घोटाला दबा हुआ है। चलो मनु। जी साहब, नमस्कार। नमस्कार साहब, वो जो रानीघाट पे बांध का काम चल रहा है उसके बारे में पूछताछ करनी है। ये इंक्वायरी ऑफिस दिखाई दे रहा है आपको? मेरा नाम करण सिंह है, मुझे इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। नमस्कार करण भैया, बैठिए बैठिए। मैं आपको पहचान नहीं पाया। ये प्रोजेक्ट कितने सालों से ग्रांट हो रहा है? चार साल से। हर साल कुछ काम होता है और बाढ़ में बह जाता है। मैं इस प्रोजेक्ट की फाइल देखना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ। बिरजू। जी करण बाबू। जिस जिस गाड़ी से मिट्टी ढोई गई है उनके मालिक लोग से मिलना होगा। मैं तो बोल रहा हूँ करण बाबू, आरटीओ ऑफिस से पता कर लीजिए। फोन लगाओ। क्या है नंबर आरटीओ ऑफिस का? 233-8090। हेलो। हेलो आरटीओ ऑफिस, एक मिनट बात कीजिए। लीजिए सर। हेलो। हेलो आरटीओ ऑफिस। हाँ, मैं विक्रम सिंह का बेटा करण सिंह बोल रहा हूँ। हाँ? मेरे पास कुछ गाड़ियों का नंबर है। जी। BR2457, VR40279, ओके। BR25209। हाँ? मुझे इनके मालिकों की डिटेल्स चाहिए। ओके सर। इमीडिएटली। जी। करण जी, ये तीनों ट्रक के नहीं, मारुति और स्कूटर का नंबर है। नहीं नहीं, ध्यान से देखो, कुछ गड़बड़ी हुई होगी। ठीक से देख के ही बोल रहा हूँ, पहला नंबर मारुति का है, बाकी दोनों स्कूटर के। नाम और पता भी बताऊँ क्या? नहीं। Thank you very much. Thank you. ले बेटा। कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा मम्मी। क्यों शंकर, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? लंदन में नहीं मिलता। ध्यान रखना। जी मालिक। अच्छा। करण बेटा, कैसा लगा गांव? पापा, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। जी मालिक। जी मालिक। बोलो बेटा, क्या बात करनी है? साइट पे कोई परेशानी आ गई क्या? पापा, ये डैम का काम कितने सालों से? जरा रुको भाग्यवान, जरा सुनो। डोंट वरी, तुम अंदर जाओ और हमें बात करनी है। जाओ। जाइए आप, जाइए। तुम्हें क्या जानना है? पापा, मैं डीआरडीओ ऑफिस गया था। बांध का जितना भी सामान ट्रक से धोया गया है, मिट्टी गिट्टी, वो तो स्कूटर और कार का नंबर है। तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? रानीघाट का एक भी आदमी सच्चाई बताने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ आपकी दहशत की वजह से। करण बेटा, तुम्हारा काम बांध बनाना है, ये सब पता करना नहीं। और सुनो, यहां ऐसा ही चलता है। पापा, पैसे के लिए देश को खोखला करना जरूरी है क्या? तुम्हें पैसे की कमी का क्या मालूम? खाने की अहमियत वही जानता है जो भूखा होता है। पापा,
अपना पेट भरने के लिए दूसरी की थाली से अनाज छीनना जरूरी है क्या? अपनी हवेली की ऊंचाई बढ़ाने के लिए दूसरों के घरों में गड्ढा खोदना ठीक है क्या? पापा, अगर मैं काम करूंगा तो अपने ढंग से और सच्चाई से काम करूंगा, और अपने ढंग से पूरा भी करूंगा। कहाँ गई थी बेटी? हम मंदिर गए थे माँ। वो तो दिख ही रहा है, लेकिन सोमवार तो कल है ना, फिर आज? अरे क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? माँ, आज उनका जन्मदिन है ना, इसीलिए। अच्छा, तो ये बात है, उसका जन्मदिन है। अरे अरे करण बेटा, मंत्री जी आ गए। आइए आइए आइए। प्रणाम मंत्री जी, प्रणाम प्रणाम। नमस्ते जी। प्रणाम। नमस्कार। करण बेटा के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई ठाकुर साहब, करण के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और ये है हमारी बेटी पिंकी। हाय। प्रणाम पिंकी। करण सिंह। मंत्री जी, करण बेटा तुम पिंकी का ध्यान रखो, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। चलिए चलिए, आइए। नमस्ते जी। बधाई हो करण बाबू। बाय द वे करण, हाउ आर यू फीलिंग हियर? फीलिंग मच बेटर। पिंकी जी, ये अंग्रेजी चटर पटर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप हिंदी नहीं बोल सकती? शट अप। माफ कर दीजिए इसे, इसे हिंदी के अलावा कुछ समझ नहीं आता है। आपको हिंदी नहीं अच्छी लगती क्या? अच्छा चलिए। इनका इंट्रोडक्शन। हम हैं मन्नू सिंह, ठाकुर काका के यहाँ नौकर हैं, नौकर। हाँ, और कुछ? करण, तुम्हारे घर में नौकर का हुक्म चलता है? इनका हुक्म तो पापा भी मानते हैं, जबकि पापा का हुक्म तो कोई टाल ही नहीं सकता है। करण बाबू चलिए, पापा केक काटने के लिए बुला रहे हैं। चलिए आइए आइए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। पिंकी को खिलाओ। आज इस खुशी के मौके पर एक और खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। आज मैं अपने बेटे करण और मंत्री जी की बेटी पिंकी, उनकी शादी का फैसला आप सबको सुना रहा हूँ। अरे ठाकुर साहब, आप तो। क्या हुआ मंत्री जी, दे दिया ना झटका? आपको ये रिश्ता पसंद नहीं है क्या? अरे नहीं ठाकुर साहब, ये बात नहीं है। पिंकी बेटी का तो सौभाग्य है कि करण बेटा जैसा दामाद मुझे मिल रहा है। हमने आपसे कहा था ना कि मंत्री जी, समय आने पर फैसला करूंगा। अच्छा बेटा करण, अब तुम जरा पिंकी का ध्यान रखो, हम इनके पापा का ध्यान रखते हैं। जाओ जाओ, भाग्यवान बहू का ध्यान रखो। चलिए चलिए चलिए। आओ आओ शंकर, मुझे मालूम था कि विक्रम तुम्हें जरूर भेजेगा। अरे आखिर समझी है भाई। बोलो क्या कह रहा था वो मालिक तुम्हारा विक्रम सिंह? देखिए जानकी, आज इनके मुंह से जैसे आवाज गायब हो गई है, यही हाल उसका भी होगा। बस एक बार मिलने तो दो। अरे शंकर क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? विक्रम बाबू ने अपने बेटे की शादी मंत्री की बेटी के साथ तय कर दिया। अब क्या होगा? सुनिए जी, गुस्सा मत करिए, गुस्सा करने से बनने वाली बात भी बिगड़ जाएगी।
आप एक लड़की के बाप हैं और लड़की के बाप को तो झुकना ही पड़ता है। मैं ये चाहती हूँ वहां ठाकुर बनकर नहीं बाप बनकर जाइए। अरे भानु अंकल, प्रणाम अंकल। जीते रहो जीते रहो। कैसे हो जी? बहुत अच्छा, और आप? हम भी ठीक हैं। करण जी, पापा तुम अंदर जाओ, जाओ अंदर जाओ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ विक्रम सिंह, कि तुम करण की शादी मंत्री जी की बेटी से कर रहे हो? तुमने सही सुना भानु प्रताप, लेकिन यह कैसे संभव है? जब करण के बचपन में ही नंदिनी के साथ शादी तय हो चुकी है तो तुम दूसरी जगह कैसे कर सकते हो? 16 साल पहले की बात को तुमने अभी तक याद कर रखा है? वो कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं था विक्रम सिंह, जो भूल जाए। कम से कम हमारे और तुम्हारे स्टेटस का फर्क तो समझना चाहिए ना। मैं यहाँ करण और नंदिनी की शादी के बारे में बात करने के लिए आया हूँ, बिजनेस की नहीं। जो स्टेटस का फर्क देखें। शादी ब्याह बराबर वाले में होता है भानु प्रताप। अगर ये बात मैं उस समय सोचा होता जब तुम्हारे और मेरे बीच में स्टेटस का इतना ही और ऐसे ही फर्क था, तब? ये सब मैं नहीं जानता विक्रम। नंदिनी और करण की शादी के बारे में पूरा गांव जानता है। अरे मेरी इज्जत के बारे में तो सोचो। मैं तुम्हारी इज्जत के लिए अपने बेटे की कुर्बानी नहीं दे सकता। विक्रम ऐसा मत कहो, नंदिनी बचपन से लेकर आज तक सिर्फ करण के बारे में ही सोची है, उसी का सपना देखी है और उसी को अपना पति मानी है। देखो भानु प्रताप, करण मेरा इकलौता बेटा है, उसकी शादी मैं वहीं करूंगा जहां मैं चाहूंगा। विक्रम, ठाकुर के पगड़ी का मतलब तो जानते हो ना? आज मैं अपनी बेटी की खातिर अपनी पगड़ी तुम्हारे चरणों में रख रहा हूँ। नंदिनी को उसका प्यार दे दो, उसका करण दे दो, नहीं तो जीते जी मर जाएगी। भीख में रुपए पैसे दिए जाते हैं बेटा नहीं भानु प्रताप। जाओ और अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दो, कोई भी परेशानी आए तो मुझे बता देना। तो तुम एहसान जताना चाहते हो? हाँ नहीं, अगर तुम्हारे दिल में ये भावना है तो कि तुमने कभी हमारी मदद करी थी तो मैं उतारना चाहता हूं। आज मैं इस लायक हूं कि तुम्हारा एहसान सूद समेत वापस कर सकता हूं। जाओ भानु प्रताप, शंकर ले जाओ भानु प्रताप को। चलिए मालिक चलिए। यहाँ की सिंचाई की जो समस्या है वो मैं जानता हूँ, तुम लोग चिंता मत करो, मैं डायरेक्ट डीएम से बात करूंगा। ठीक है जाओ तुम लोग जाओ। प्रणाम ठाकुर साहब। अरे विक्रम, तुम टेंडर भरे कि नहीं? नहीं भानु, नहीं भरा। क्यों? थोड़ा पैसा कम पड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं छोटा टेंडर भर लूंगा। नहीं, तुम यही टेंडर भरोगे और जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा, तुम चिंता मत करो। और देखो विक्रम, शंकर को साथ में रखना, बहुत काम का आदमी है। और शंकर तुम भी मेरे और विक्रम के बीच में कोई भी फर्क मत समझना। जी मालिक। यही तो तुम्हारी खूबी है भानु प्रताप, कहां तुम इतने बड़े जमींदार और कहां मेरी औकात, दो कौड़ी की भी नहीं। विक्रम तुझे चढ़ गई है तुझे, इसीलिए तू इतना इमोशनल डायलॉग मार रहा है। अरे दो पैग अंदर जाने के बाद ऐसे ही होता है, मैं जानता हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बराबर बैठने के लायक ही नहीं हूँ। मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन एक रास्ता है, अगर
हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए तो? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा एक ही बेटा है और मेरी एक ही बेटी है। बस भानु, आगे कुछ मत बोलो। शराब के नशे में यह मत भूलना कि दरवाजे की गंदगी घर में नहीं ले जाती। अरे पागल हो गया है क्या तू? तू क्या समझ रहा है, मुझे चढ़ गई है? हैं? अरे यार ठाकुर का वचन है, प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ तो देखना, जब करण और नंदिनी की शादी तय हो जाएगी तो ऐसा धूम मचाऊंगा कि पूरा गांव देखते रह जाएगा। मुबारक हो ठाकुर साहब, मुबारक हो। भानु मेरे दोस्त, आज तो मैं धन्य हो गया, अपनी बेटी का रिश्ता करके मेरा मान बढ़ा दिया भानु। अरे विक्रम, ये समधी का रिश्ता तो हम इसीलिए किए हैं कि तुम्हारा और मेरा साथ हमेशा के लिए बने। नहीं छूटेगा भानु, ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। अरे गला तो क्या शंकर, अब तुम देखते जाओ कि क्या क्या तर होता है। अरे नाचो, जश्न हो रहा शंकर। मुझे तो अब कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है, कोई माझी भी नहीं है कि मेरी जिंदगी की इस कश्ती को मझधार से बाहर निकाल सके। मालिक मैं कुछ कहूं, अगर आप बुरा ना माने। अरे शंकर बोलो, एक तुम ही तो हो जिसको मैं अपना कह सकता हूँ। मालिक एक आदमी है जो इस कश्ती का माझी बन सकते हैं। मालिक शंकर वो कौन है बता, मैं तो पूरी हिम्मत खो चुका हूँ। राजा ठाकुर मालिक। रंजो रंजो रंजो। रंजो आइए मालिक आइए। ओहो प्रणाम। प्रणाम राजा ठाकुर साहब। आप ठाकुर साहब, आज मैं आपके पास काम से आया हूँ। तो फिर हमको बुलवा लेते, आपको आने की क्या जरूरत थी? प्यासा हमेशा कुआं के पास जाता है ठाकुर साहब, कुआं कभी भी प्यासा के पास नहीं आता। ठीक है भाई, हम आपसे बहस नहीं करेंगे, आइए बैठिए, पहले चाय नाश्ता हो जाए, बाद में आपका काम भी हो जाएगा, बैठिए। राजा ठाकुर, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, बस अब एक आप ही से आशा है। आप आदेश कीजिए। राजा ठाकुर, मेरी एक ही बेटी है नंदिनी। मालूम है, वो हमारी बहन है। नंदिनी की शादी विक्रम सिंह के बेटे से होने वाली है, ये सबको मालूम है। देखिए ठाकुर साहब, नंदिनी की शादी में इतनी गोलियां चलेंगी कि तंबू एकदम छलनी हो जाएगा। हाँ बाकी तभी हो सकता है जब आप खुद अपनी बहन को विदा करने की जिम्मेदारी लोगे। मतलब? विक्रम सिंह ने इस शादी के लिए इनकार कर दिया है, कहता है कि उसके घर में मेरी बेटी देने की औकात नहीं है। मैं समझ सकता हूं राजा ठाकुर कि विक्रम सिंह के खिलाफ खड़े होना इतना आसान नहीं है। ठीक है चलता। अरे ठाकुर साहब, राजा ठाकुर सिर्फ भगवान से डरता है या फिर खुद से। विक्रम सिंह जैसे 10-20 से भिड़ना भी पड़े तो ये हमारा कदम पीछे नहीं हटेगा। आप मुझे माफ कीजिए राजा ठाकुर,
बाकी आज मुझे भरोसा हो गया कि मेरी नंदिनी के सपने पे कोई आंच नहीं आएगी। कोई आंच जाइए ठाकुर साहब, जाइए चैन की नींद सोइए। आज से ये चिंता आपकी नहीं हमारी है। नंदिनी की शादी ब्याह करण से ही होगी, ये हमारा वादा है। बारिश। हाँ भाई चलो 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 आराम करो, बारिश आ गई है। चलो ठीक है भैया। पिंकी इतनी बारिश में यहाँ कैसे? क्या कर रहे हैं करण बाबू? अरे मैं तो कुछ काम कर रहा हूँ। लेकिन हमेशा काम काम काम, देखिए ना कितना अच्छा मौसम है, आइए ना बारिश में भीगते हैं। अरे कहाँ जाके बाहर भीगूं, यहाँ पर मुझे बहुत काम है। छोड़िए ना, आइए। अरे क्या कर रही हो, मैं बाहर जाऊंगा तो भीग जाऊंगा, काम है मुझे बहुत। अरे आइए ना। अरे नहीं नहीं मेरी बात सुनो, मैं भीग जाऊंगा, काम है मुझे। अरे नहीं मैं भीग जाऊंगा, बात सुनो मेरी। पिंकी मेरी बात तो सुनो। अरे यार मुझे काम है पिंकी। बंदूक हटाओ। आइए राजा ठाकुर, सुन के बहुत अच्छा लगता है कि जब तुम गरीबों की शादी करवाते हो। हमको भी खुशी होती है विक्रम सिंह, जब हम किसी को जमीन से उठकर आसमान पर पहुंचते देखते हैं। लेकिन दुख तब होता है जब वो जमीन छोड़कर आसमान में उड़ने लगता है। मतलब? किशनगंज के बच्चे बच्चे को मालूम है कि भानु प्रताप सिंह की बेटी नंदिनी की शादी। राजा ठाकुर मेरे पर्सनल मामले से दूर रहो तो अच्छा होगा। देखो विक्रम सिंह, इस गांव की हर लड़की हमारी बहन है, और हमारी बहन का मामला तुम्हारा पर्सनल मामला नहीं हो सकता। ओ तो हिरण का शिकार करते करते तुम्हें अपने बहादुरी पर इतना एतबार हो गया कि तुम शेर की गुफा तक आ गए? हम तुमको समझाने आए थे, ये याद दिलाने कि जिस भानु प्रताप नाम के पेड़ की छाया में इतने दिन रह के उड़ना सीखा, आज उसके पतझड़ के समय। बस राजा ठाकुर बहुत हो गया। आज एक लड़की का भाई तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा है। विक्रम सिंह अपना फैसला नहीं बदल सकता, और राजा ठाकुर आखिरी सांस तक अपना वादा निभाता है। हम तो चाहते थे कि मामला शांति से निपट जाए तो अच्छा रहेगा। राजा ठाकुर एक बात हमेशा ध्यान रखना, करण कोई मामूली आदमी का बेटा नहीं, बाहुबली विक्रम सिंह का एक लौता बेटा है। ताकत के घमंड में ये मत भूल जाना कि नंदिनी हमारी यानी कि राजा ठाकुर की बहन है। और सुनो, नंदिनी और करण की शादी में आशीर्वाद देने तुम ही आओगे, ये हमारा तुमसे वादा भी है और दावा भी। पापा कौन था ये? कोई नहीं बेटा, तुम अंदर जाओ। नहीं ये मेरा नाम लेके क्यों बात कर रहा था? अरे जाने दो, ये सब चलता है यहाँ। जाओ भाग्यवान, अपने बेटे को अंदर ले जाओ। चल जाओ। चल बेटा अंदर चल, चला जाओ। ये राजा ठाकुर अपने करण के बारे में कुछ बोल रहे थे। क्या शारदा, यह बाहर का मामला है, तुम्हें यह जानना जरूरी नहीं। हाँ? अरे करण ये सब क्या है? पापा विदेश में रहते रहते मैं गांव के रीति रिवाजों को भूल गया था। आज छत पे खड़ा था तो अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया तो ऐसा लगा कि जैसे मेरा गांव मुझे बुला रहा है। कैसा लग रहा हूँ मम्मी? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। आता हूँ गाँव घूम के। एक मिनट करण बेटा, एक मिनट बेटा। अब मेरे बेटे को किसी की नजर नहीं लगेगी। अब जा जा बेटा, संभाल के जाना। मानो
करण का ध्यान रखना। मुन्नू ये लोग कौन है? राजा ठाकुर के आदमी भैया। चलिए करण बाबू, राजा ठाकुर का बुलावा आया है। किसी को बुलाने का ये कौन सा तरीका है? तुम अभी नए आए हो इसलिए राजा ठाकुर के बारे में नहीं जानते। तो बता दो, जानना जरूर चाहता हूँ। चलिए आज तुम्हारी ये तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। ले चलो। क्या मारे भैया, क्या मारे? और मारो। बहुत बढ़िया भैया। जाके कह देना राजा ठाकुर से कि करण कोई रसगुल्ला नहीं है जो मुंह में डालते ही गल जाएगा। चल भाग। करण, आज तुम पर हमला करा के राजा ठाकुर ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे उसकी औकात बतानी पड़ेगी। उसकी जरूरत नहीं है पापा, आपका बेटा अपनी सुरक्षा करना अच्छी तरह से जानता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि राजा ठाकुर आखिर है कौन। बेटा ये सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। क्यों? मुझे उनकी बातों से लग रहा था वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे। वो मैं देख लूंगा करण, वो मैं देख लूंगा। लेकिन पापा राजा ठाकुर आखिर चाहता क्या है? पापा क्या चाहता है वो? बेटा तेरे पापा सबको संभाल लेंगे। माँ मैं कुछ और ही पूछना चाहता हूँ। बेटा राजा ठाकुर लड़कों को जबरदस्ती उठाकर शादी करा देते हैं। मतलब मेरी शादी? नहीं, भानु प्रताप भैया राजा ठाकुर के यहाँ फरियाद लेकर गए होंगे। सही गलत क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन बेटा तू अपने पापा का दिल कभी मत दुखाना। तू उनकी जान है बेटा। ये सब क्या हो रहा है? ये अच्छी बात नहीं है। करण बेटा कहाँ जा रहे हो? साइड पे जा रहा हूँ पापा। लेकिन क्या हुआ? यहाँ आओ। क्या हुआ? अकेले जा रहे हो? हाँ। बेटा मैं कोई चांस नहीं ले सकता। आज से अब्दुल सुनील और गुड्डू तुम्हारे साथ रहेंगे। पापा इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा कल फिर राजा ठाकुर। पापा मैं अपनी हिफाजत कर सकता हूँ। गाड़ी कहाँ है? रहमान गाड़ी निकालो। मैं खुद लेके चला जाऊंगा पापा। अपना ध्यान रखना करण। हाँ चला, गाड़ी निकालो। बाय बेटा, ध्यान रखना। अब्दुल। जी मालिक। करण अभी तक यहाँ का माहौल नहीं जानता। जी। उसे पता ना चल पाए तुम लोग उस पर नजर रखो। जी। समझ गए? अपने आदमियों को लेकर जाओ। ठीक है। जाओ जल्दी जाओ। ध्यान रखना। मुझे डैम का प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड टाइम पे पूरा करना है। ज्यादा से ज्यादा मजदूर लगा के पूरी जमीन खोद दो। ठीक है। और कोशिश करना है कि मजदूर इसी गांव के होने चाहिए, तभी हम इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे। नहीं छोड़ेगा राजा। यहाँ पे हर कोई बंदूक की भाषा में ही बात करता है, जबकि ये श्री राम की धरती है। बताइए सरकार क्या बात है, आखिर आप मुझसे चाहते क्या है? चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ,
आपको जो कुछ भी कहना है वो आप यहाँ भी तो कह सकते हैं। देखो, ये तुम्हारी बहुत खुशकिस्मती है कि जिंदगी में पहली बार हमने किसी को बैठने के लिए कहा है। कह दिया बैठने को तो बैठ जाओ, चलो बैठो। चलिए, टाइम ही खराब करेंगे आप हम दोनों का। बैठो, जरा सरक के बैठो, चलो। ये बात तो ठाकुर साहब को बतानी पड़ेगी, चलो जल्दी। चलो, चलो निकलो, चलो चलो। नंदिनी बेटा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। तो अब कहाँ जाना है जी? राजा ठाकुर की हवेली। वहाँ किस लिए पिताजी? अरे बेटा, आज तुम्हारी शादी है। शादी? लेकिन पिताजी, हमारी शादी तो उनसे तय हुई है, फिर अचानक ये सब क्या है? नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, तुम फिक्र मत करो, बस मुझ पे भरोसा रखो। देखो, कुछ परिस्थिति ऐसी बन गई है जो राजा ठाकुर ने एक कदम उठाया है। देखो, अब सब कुछ बताने का समय नहीं है, तुम लोग जल्दी चलो, चलो जल्दी। लेकिन माँ। देखो बेटा, अपने बाबूजी पर भरोसा रखो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, जाओ। पिताजी। ओम अग्नि देवाय नमः स्वाहा, ओम वरुण देवाय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरे। दुल्हन को बिठाइए। ओम देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्व स्वाहा। दूल्हे को बुलाइए, जाओ उसे लेकर आओ। नहीं राजा ठाकुर, कोई भी हरकत तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। खामोश। आइए करण बाबू, आइए। मेरे बेटे को उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ आकर बहुत बड़ी भूल की है तुमने विक्रम सिंह। सिर्फ आके ही नहीं, करण को भी यहाँ से ले जाऊंगा राजा ठाकुर, और तुम्हारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात होगी। हाँ? शायद जिंदगी में पहली बार कि कोई तुम्हारे यहाँ से तुम्हारा शिकार लेकर चला गया। विक्रम सिंह, कोई लोमड़ी अगर शेर की मांद में घुस जाए तो वो बहादुरी नहीं होती, बल्कि उसकी कमजोरी बेवकूफी होती है, और आज इस बात का तुमको एहसास हो जाएगा, आज तुमको पता चल जाएगा। लेकिन अच्छा हुआ कि तुम आ गए, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद तो तुम ही दोगे ना? आज करण को यहाँ से ले जाकर राजा ठाकुर, तुम्हारी ये गलत फहमी भी दूर कर दूंगा। ए विक्रम सिंह, हम तो चाहते थे कि नंदिनी की शादी बहुत शांति से कर दें, लेकिन तुम्हें आग से खेलने का इतना ही शौक है तो आज तुम इस हवेली के गेट से बाहर जाकर दिखा दो, ये राजा ठाकुर का चैलेंज है। नहीं। खामोश। बस भैया बस, बहुत हो गया। आप लोग कौन होते हैं हमारी जिंदगी का फैसला करने वाले, आप या पिताजी? हर आदमी हमें एक गाय की तरह उस खूंटे से बांधना चाहता है जिसका मालिक ही नहीं चाहता। बोलिए भैया बोलिए, आखिर ये जबरदस्ती की शादी किस लिए? भैया, लड़की जानवर नहीं इंसान होती है, इंसान, उसकी भी कोई इच्छा कुछ सपने होते हैं। कभी पूछा हमसे नहीं, बस ताकत के बल पर हमारी जिंदगी का फैसला करने के लिए शादी के मंडप को लड़ाई का मैदान बना दिया।
लेकिन खून का दरिया बहाकर हमें अपनी मांग लाल नहीं करनी है। क्या कर लेंगे आभा, क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा बंदूक और ताकत के बल पर हमारी शादी करवा देंगे, साथ फेरे करवा देंगे। उनके दिल में हमारे लिए प्यार तो नहीं जगा पाएंगे। हमें उस घर में भेज देंगे लेकिन हमारा घर तो नहीं बसा पाएंगे ना। पिताजी, लड़की को क्यों हमेशा बहुत समझा जाता है अगर आप सबकी परेशानी की वजह हम ही हैं? तो आज हम आप सबकी परेशानी खत्म कर देंगे, जहर खा लेंगे, हम जहर खा लेंगे, लेकिन जबरदस्ती से शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। भैया, अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी बर्बादी का कारण कोई और नहीं, आप बनेंगे भैया, आप बनेंगे, आप बनेंगे। नंदी, राजा भैया। अरे तो फिर कहोगी कि शादी नहीं करूंगी? हाँ, मैं कहूंगी। पहले आप मेरे लिए भाभी लेकर आइए, फिर मैं शादी करूंगी। खामोश, बहुत भाभी भाभी जबान से निकल रहा है हमारी गुड़िया। अच्छा ये देखो, हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये लाल जोड़ा देखो, इसी लाल जोड़े में हम तुमको विदा करेंगे, ये तुम्हारे भाई का वादा है। भैया चलो 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 चलो, जल्दी करो। ये लीजिए। भैया, भाभी जी होती तो कम से कम आप कपड़े तो नहीं सुखाते। चलो, जो रंजना के मामले में प्रभु की मर्जी हो। नमस्ते राजा भैया। हाँ नमस्ते भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, सब ठीक ठाक है। शादी ठीक से निपट गई ना? हाँ भैया, सब ठीक ठाक निपट गया। और सब सुनाइए, रंजना की शादी करवाएंगे कि नहीं? हाँ करना तो है। कोई काम होगा हमारे लायक तो बताइएगा। हाँ भैया जरूर बताइए। अच्छा राजा भैया, राजा भैया। हाँ? अर्जुन भैया का संदेश लाया हूँ, उन्होंने आपको तुरंत बुलाया है। अर्जुन बाबू? हाँ। चलो तो हम अचानक 4 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करें? ये मेरा सिर दर्द नहीं है लेकिन शादी के लिए यही शर्त है। रंजू और अजय एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो क्या करूँ, अजय की पढ़ाई में बहुत खर्चा हुआ है। 2 दिन का समय है तुम्हारे पास, नहीं तो अजय के लिए बहुत ग्राहक हैं। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। देखिए रंजना ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और हम धीरे धीरे सब पैसा दे देंगे, एक बार शादी हो जाने दीजिए। समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, घर जाइए, पैसों का इंतजाम कीजिए। अब क्या होगा, इस बेचारी की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब इससे शादी कौन करेगा, अब कौन से मुंह से राजा इसका रिश्ता कहीं और ढूंढने जाएगा। एक बार शादी टूटने के बाद ऐसी लड़की को कौन अपनाता है? राजा बेचारा कहाँ से इतना पैसा लाएगा? हे भगवान, किसी को भी ऐसा दिन मत दिखाना। भगवान ने ऐसा दिन दिखाने से पहले उठा क्यों नहीं लिया? कोई ऐसी धरोहर भी नहीं है जिसे बेचकर पैसों का इंतजाम हो जाए। रंजना तो अजय के सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, वो तो मर ही जाएगी। आइए आइए राजा भैया, बैठिए। सुबह सुबह कोई खास बात है क्या?
हाँ महाजन जी, बहुत खास बात है, हमको कुछ पैसा चाहिए। रंजना की शादी के लिए चाहिए क्या? जी, उसी के लिए हम ये अपनी जमीन और घर का कागज लेकर आए हैं। तो 10-20 हजार मुझसे वैसे ही ले लेते, इसके लिए कागज ले आने की क्या जरूरत थी? 10-20 हजार से काम नहीं चलेगा महाजन जी, हमको 4 लाख रुपए की जरूरत है और हम अपनी जमीन और घर इसके लिए गिरवी रखने को तैयार हैं। सोच लीजिए राजा बाबू, जमीन बेचने के बाद या फिर गिरवी रखने के बाद आपका क्या होगा? कुछ नहीं होगा महाजन जी, अगर पैसा कम पड़ जाएगा तो हम खुद को भी बेचने को तैयार हैं। तो ठीक है, ये 3 लाख मैं अभी दे देता हूँ और 1 लाख बाद में दे दूंगा, ठीक है ना? ठीक है। जरा इस पर दस्तखत कर दीजिए। रंजू, हमारी गुड़िया, रंजू बेटा, हम तुम्हारी डोली तो नहीं उठा पाए लेकिन नंदिनी को विदा जरूर करेंगे, ये तुमसे वादा है। हाँ रंजू, ये हमारा वादा है तुमसे। वाह, क्या निशाना है। पापा, मैंने हर बार आपसे जानना चाहा लेकिन आपने हर बार टाल दिया, लेकिन आज मैं जानना चाहता हूँ कि इस टेंशन का कारण क्या है। सुनना चाहते हो तो सुनो, भानु प्रताप चाहता है कि मैं तुम्हारी शादी उसकी बेटी नंदिनी से कर दूं। जब मैंने मना कर दिया तो वो जबरदस्ती राजा ठाकुर के साथ मिलकर शादी करवाना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन मुझे तो ये पता चला है कि ये शादी बचपन से ही तय है। बेटा करण, तब की बात अलग थी। इसका मतलब ये है कि भानु प्रताप चाचा जी अपनी जगह पे सही है। करण, तुम अभी इतने बड़े नहीं हो गए हो कि सही गलत का फैसला तुम करो। गांव का तौर तरीका थोड़ा अलग है, समझ गया ना बेटा? पापा, मुझे लंदन में भी अच्छी नौकरी मिल सकती थी लेकिन यहां मुझे अपने गांव की, अपने देश की मिट्टी की महक खींच के ले आई है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस मिट्टी की महक में बारूद भी छिपी हुई है। कारण, तुम्हें यहां रहने के लिए इस बारूद की महक की आदत डालनी होगी। यहां वही होगा जो मैं चाहता हूं। बेटा सुनना, बेटा, बेटा। मैं जा रहा हूं। करण, पर कहां? जहां शांति मिल सके। मैं इस माहौल में नहीं रह सकता हूं। मेरी कल दिल्ली से फ्लाइट है, मैं चला जाऊंगा वापस लंदन। बेटा, अपने पापा की बात का इतना बुरा मत मान, रुक जा बेटा। मनु सामान दे मुझे, चलो। करण, करण बेटा।
कहां जा रहे हो करण? हे राजा ठाकुर, आपके और मेरे पापा के बीच में बारूद की बिसात पे जो गेम चल रहा है ना, मैं उसका मोहरा नहीं बनना चाहता। मैंने यहां से जाने का फैसला कर लिया है। राजा ठाकुर को विक्रम सिंह का बेटा करण सिंह से ये उम्मीद नहीं थी कि मैदान छोड़ के भाग जाएगा। अच्छा, देखो करण, ये लड़ाई सत्य और असत्य की है, धर्म और अधर्म की, न्याय और अन्याय की। ये लड़ाई किसी राजा ठाकुर और विक्रम सिंह के बीच नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मैं आपके शब्दों के जाल में फंस के अपना फैसला बदल दूंगा? सच्चाई क्या है ये तुम्हें मालूम है करण? आप ये चाहते हैं कि मैं अपने पापा के खिलाफ खड़ा हो जाऊं? महाभारत में भी ऐसी परिस्थिति आई थी अर्जुन के सामने, तब कृष्ण भगवान के समझाने पर अर्जुन ने धर्म का साथ दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म के पक्ष में लड़ने के लिए तैयार किया, लेकिन यहां सिर्फ अधर्म और अत्याचार का बोलबाला है राजा ठाकुर। आदमी सिर्फ दो तरह के होते हैं, या तो शरीफ या तो फिर बदमाश, लेकिन यहां पर मैंने सिर्फ दो तरह के आदमियों को देखे, एक ताकतवर दूसरा कमजोर। और जहां तक शादी की बात है तो राजा ठाकुर, ये दिल का मिलन होता है, मुझे यहां रहने का कोई शौक नहीं है। बेटा करण, तुमने सारी दुनिया घूमी होगी और ये देखा होगा कि शादी तो बस एक कागज के टुकड़े पर साइन करके हो जाती है, और जैसे ही ये कागज पुराना होता है, या जैसे जैसे वो कागज पुराना होता है, वो रिश्ता पुराना हो जाता है, फिर एक नए कागज पे दस्तखत करके वो रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है। देखो करण, जो शादी अग्नि के चारों तरफ फेरे लेकर होती है वो 7 जन्मों तक रहती है। ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है, ये परंपरा है। हिंदुस्तान में ही हो सकता है कि कोई लड़की 16 साल पहले जिसे पति मान ले, आज भी उसे ही परमेश्वर मानती है। मैं जानता हूं कि आपकी सोच अच्छी है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। यही करण कि तुम्हें चाहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन पूजने वाला कहीं नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना याद रखना कि कांच के चक्कर में कहीं हीरे को मत ठुकरा देना। वैसे हमको पूरा विश्वास है कि तुम हीरे को परख कर जरूर देखोगे। विक्रम सिंह के बेटे के ऊपर आपको इतना भरोसा है? विक्रम सिंह के बेटे पर नहीं, अपनी हिंदुस्तानी संस्कृति पर, अपने नंदिनी पर इतना भरोसा है, अपनी बहन के प्यार और उसकी पति भक्ति पर इतना भरोसा है। बात तो इन्होंने सही कही। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है भैया, दोनों दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं। तो काम तो तुम्हारा ही हो रहा है। लेकिन ये लड़ाई कब तक चलेगी? दोनों में से कोई भी कमजोर नहीं है, कोई भी कमजोर नहीं है भैया। जब कोई दो दुश्मन लड़े तो वक्त का इंतजार करना चाहिए। वक्त आएगा तो दोनों में एक कमजोर पड़ेगा, तो उसको तुम देख लेना। ठीक कहा भैया, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। रंजो, तुमको डोली में नहीं देख सका, तुम्हारी शादी नहीं करा सका, तुमको लाल जोड़े में देखने की हसरत हमारे दिल में हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। हमारी गुड़िया। सर, प्रणाम। हा? अरे प्रणाम प्रणाम, आओ करण आओ। हमको मालूम था तुम एक दिन अपना फैसला जरूर बदलोगे। मैंने फैसला नहीं बदला है, लेकिन टाला जरूर है। अरे एक ही बात है, लेकिन हम कारण जान सकते हैं? सर, जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, मैंने सोचा कि एक बार मैं उससे मिल लूं, और आप इसे अपने भरोसे का इम्तिहान भी समझ सकते हैं। अरे इम्तिहान तो ऊपर वाला ले रहा है, नंदिनी की, उसके विश्वास की, उसकी 16 साल की तपस्या की। जय भोले भंडारी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। धन्यवाद पंडित जी।
आप यहाँ पर? अरे नंदनी, अपने भैया से नाराज हो? हमसे हमारी किस्मत नाराज है, हम आपसे क्यों नाराज होंगे भैया? तो फिर हमको राखी बांधने क्यों नहीं आई? गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए भैया। आप जरा ये पूजा की थाली पकड़िए। तुम्हारा बहुत कर्ज उतारना है बहन। भैया, उस दिन भावना में बहकर मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन क्या करें, पिछले 16 सालों से जिसे हमने मन मंदिर का देवता माना हुआ था, जब वही हमें नहीं चाहते तो जबरदस्ती करने से क्या होगा? वैसे हमें भरोसा है भैया, एक न एक दिन उनके दिल में हमारे लिए जरूर जगह बनेगी। नंदनी जी। भैया, ये है हमारे दोस्त का बेटा करण सिंह, और करण ये है नंदनी। नमस्ते नंदनी जी। नमस्ते लड्डू जी। ये लड्डू क्यों बोल रही? अरे इनका नाम लड्डू नहीं है, इनका नाम है करण सिंह। भैया, इनका नाम और उनका नाम एक ही है, इसीलिए हम उनका नाम नहीं ले सकते। लेकिन लड्डू के अलावा कुछ और भी तो बोल सकती हैं। हाँ हाँ। अब बात यह है कि ये लड्डू जैसे दिखते हैं ना, इसलिए लड्डू कह दिया। अच्छा भैया, प्रणाम, हम चलते हैं। आओ लड्डू, मेरा मतलब आओ। बेटा करण, बांध का काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है पापा। तुम खुश तो हो ना? जी बिल्कुल। सुना है राजा ठाकुर तुमसे मिला था? जी पापा। क्यों? वो उन्होंने जो किया उसके लिए माफी मांगने आए थे। जो भी हो करण, लेकिन उससे बच के रहना, तुम उसे नहीं जानते, उसकी जबान भी किसी हथियार से काम नहीं है। पापा, आपका बेटा अच्छाई और बुराई का फर्क जानता है। ट्रस्ट मी। पता चल जाएगा बेटा कि वो आजकल कौन सा नया पैतरा चल रहा है। बुढ़िया के बाल, चलो चल कर खाते हैं। चल चल। भैया भैया जी, ये हमें दीजिए ना। ये लो। पैसे निकालो। हाँ ये ले। तुम लोग खाओगे? नहीं। आ, चलो चलो चूड़ियां देखते हैं। हाँ, हाँ। हाँ। करण भैया, अरे वाह क्या बात। मेरे और आपके किस्मत में कितना फर्क है। क्यों क्या हुआ? देखो ना, मोबाइल की तरह आपके पास शादी करने के लिए भी मॉडल पसंद करने की सुविधा है, और देखिए मैं हूँ, कोई सेकंड हैंड भी नहीं है। एक बात बताऊँ, तू ना बेवकूफ है, इतना बड़ा मेला लगा हुआ है यार, इस मेले में कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ ले। मैं अभी जाता हूँ। और सुन, इधर आओ, छू के मत टेस्ट करना, देख के पसंद करना। मैं जानता हूँ भैया, इतना मैं जानता हूँ। मैं कैसा लग रहा हूँ भैया? हीरो हीरा लाल। आओ। चलो चलो चलो, दिखाओ दिखाओ, ये चुड़ियाँ दिखाओ। भैया वो वाला। अरे भैया जी, वो वाली लाल है ना? हाँ हाँ हाँ, मुझे ये दर्जन चाहिए। बहुत प्यारी है। और ये पीली वाली भी दे देना। हाँ, एक दर्जन दे दो भैया। अरे लड्डू जी, लगता है लड्डू जी भी मेला देखने आए हैं। लड्डू जी, अरे आप यहाँ पर? हम चलते हैं। ए, दूर मत जाना। हाँ ठीक है। अरे नंदनी जी, मैं आपसे ही मिलने के लिए आया हूँ यहाँ। हमसे मिलने के लिए? क्यों? नंदनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए ना, कोई खास बात है क्या? नंदनी जी, मैंने जब से आपको देखा है ना, अजीब सी एक बेचैनी सी रहती है। रात को मुझे नींद ही नहीं आती, और अगर नींद आती भी है तो
तो हमेशा आंख के सामने आपका ही चेहरा, वो सुंदर मुस्कान, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाब के पंखुड़ी के। लड्डू जी एक मिनट, मुझे अपने दिल की बात कह लेने दीजिए। लड्डू जी पहले हमारी बात सुन लीजिए। अगर आपसे मेरी मुलाकात राजा भैया ने नहीं कराई होती तो ऐसा जवाब देते कि जिंदगी भर याद रखते। और सुनिए, हम बचपन से ही किसी को अपना पति मान चुके हैं। अरे तो वो आपको नहीं चाहता है, वो आपसे गुस्सा है। अगर भगवान नाराज होते हैं ना तो उनका दर्जा कम नहीं हो जाता। आज आपकी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहे हैं। समझ गए ना लड्डू जी, ये लीजिए खाइए इसे। अरे प्रणाम। यू आर राइट राजा ठाकुर, आज मुझे समझ में आ रहा है कि देवी और परी में क्या अंतर होता है। बड़ी पुरानी कहावत है इंस्पेक्टर साहब, चोरी करके जो पकड़ा गया वो चोर और जो नहीं पकड़ा गया वो शरीफ। लेकिन आजकल नेता लोगों ने नया कानून बनाया है, जब तक सिद्ध ना हो जाए तब तक जानवरों का चारा खा के भी आदमी चोर नहीं होता। ठाकुर साहब प्रणाम। प्रणाम राजा। हाँ प्रणाम ठाकुर साहब प्रणाम। रात को नंदिनी से पता चला है कि करण उसे मिला था। आपको खुशी नहीं हुई क्या? खुशी तो हुई लेकिन अंदर से डर भी लग रहा है। देखिए ठाकुर साहब, शादी तो हम अपने तरीके से नंदिनी की कब की करा चुके होते हैं, चाहे लाशों पर चलकर चाहे खून का दरिया बहाकर। लेकिन नंदिनी की ये बात सही है, उसका घर बसाने का यही एक रास्ता है। लेकिन विक्रम सिंह। अरे ठाकुर साहब, जब बेटा खुद ही बाप के खिलाफ नंदिनी से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे आपके विक्रम सिंह? अच्छा किया जो तुम मेरे रास्ते से हट गए राजा ठाकुर। रास्ते से हटा नहीं विक्रम सिंह, रास्ता बदल दिया है, मंजिल नहीं। चलो किस महीने का मुहूर्त निकालूं? अरे नवंबर और दिसंबर में जो अच्छा मुहूर्त होगा उसे निकाल दीजिए। क्यों ठाकुर साहब? प्रणाम पंडित जी, ये लीजिए काका। ठीक है रख दो। अब पंडित जी एक बात पूछनी थी। पूछो बच्चा। अब बच्चा मत कहिए पंडित जी, नहीं तो मेरे प्रश्न का मतलब ही खत्म हो जाएगा। बोलो बेटा बोलो। कोई ऐसा मंत्र वंतर पूजा उजा नहीं है जिसको करने से मेरी शादी हो जाए? अभी ये कुंडली मिला लेने दो फिर बताता हूँ। अब पंडित जी ये तो मिल जाएगी, अब मेरा काम। मनु अंदर जाओ। काका, अंदर। काका मेरी शादी और जिंदगी का सवाल है। अरे मनु इसी लगन में तुम्हारे बदन पर हल्दी लगवा दूंगा बस। सच काका? क्या मैं इस बात को सच मानूं या एक नेता का जनता को बहलाने का आश्वासन? अंदर जाओ अंदर जाओ। सॉरी। अगर बुरा ना मानिए ठाकुर साहब तो एक बात कहूं। बोलिए। इस नौकर को आपने अपने सिर पर चढ़ा रखा है। मंत्री जी मनु खाली नाम का नौकर है, जानते हो ये किसका लड़का है? याद है कुछ? वो चंद्रमा सिंह। अच्छा अच्छा अच्छा, वही चंद्रमा सिंह जो पटना में टेंडर के दौरान। हाँ वही चंद्रमा सिंह, वो हमारे सामने आकर हमारे नाम की गोली को अपने सीने पे ले लिया था। ये उसी का लड़का है। अच्छा अच्छा। 9 नवंबर और 25 दिसंबर का मुहूर्त बहुत ही बढ़िया है। बोलिए कब रखना है? आपका क्या कहना मंत्री जी? 9 दिसंबर सही रहेगा, जरा तैयारी करने को समय मिलेगा। ठीक है पंडित जी 9 नवंबर ही रख लो। चलो चलिए इसी दिन का मुहूर्त निकालिए पंडित जी। अच्छा अच्छा, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। मुबारक हो मंत्र जी, आज से हम लोग रिश्तेदार हो गए।
पिंकी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हाँ करण, मेरी शादी तो तुमसे हो सकती थी, तो मेरा इतना हक तो बनता ही है कि तुम मुझे नंदिनी के बारे में बताओ। दरअसल पिंकी, मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ ना, उसकी मंजिल के बारे में मुझे खुद नहीं पता। मैं नंदिनी की तपस्या के सामने हार चुका हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। करण, मैंने नंदिनी दीदी के बारे में सब कुछ पता किया है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनी है। मैं कुछ कर तो नहीं सकती, लेकिन कल मेरी जगह वो ले लेंगी, फिर भी हम तुम्हें या उन्हें कोई दोष नहीं देंगे। मम्मी, महाभारत में जब अर्जुन ने हथियार छोड़ दिया तो भगवान कृष्ण ने उन्हें क्या समझाया था? बेटा, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि उन्होंने कर्म करने की शिक्षा दी थी और धर्म के साथ रहने के लिए कहा था। लेकिन अर्जुन के सामने तो उनके सारे भाई रिश्तेदार लोग थे ना? नहीं बेटा, वो उनके भाई रिश्तेदार नहीं, अधर्म और अन्याय थे। अच्छा मम्मी, नंदिनी के बारे में आपकी क्या राय है? बात क्या है बेटा? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। जो फैसला तेरे पापा करते हैं उसमें मेरी कोई राय नहीं होती। अच्छा मम्मी, अगर पिंकी और नंदिनी में से किसी एक को बहू चुनना हो तो किसे चुनेंगी आप? बेटा, पिंकी और नंदिनी में वही फर्क है जो एक गाने में और भजन में होता है। पिंकी या नंदिनी? नंदिनी। लेकिन बेटा, ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे तेरे पापा को दुख पहुंचे। बेटा, वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा बेटा, अब तू जाके आराम कर, अब जाके सो जा बेटा, तेरे पापा के आने का टाइम हो गया है। सो जा बेटा। शारदा, ये देखो। देखो ये कार्ड कैसा है? ये नहीं। काका काका, ये देखो कैसा है। हाँ, ये ठीक है। ये देखो शारदा, कैसा लग रहा है? काका, ठीक। काका एक बात कहूँ, अब मेरी भी शादी का कार्ड छपवा ही दीजिए। क्या हुआ पापा? अरे करण बेटा, आओ बैठो यहाँ पर। अच्छा, आओ माँ के पास बैठो, बैठो। अच्छा बेटा, तुम्हारे शादी का कार्ड पसंद कर रहे हैं, ये देखो बेटा, दिखाओ उसे कार्ड, दिखाओ। ठीक है? देख बेटा। पापा, मैं शादी नहीं करूंगा। करण, पूरे गांव को पता चल गया है तुम्हारी शादी शमशेर सिंह की बेटी से हो रही है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये गलत है करण, मैं किसी को अपनी इज्जत से खेलने नहीं दूंगा, चाहे वो मेरा खुद का सगा बेटा क्यों ना हो। और मैं अपनी जिंदगी का गलत फैसला करने का हक किसी को नहीं दूंगा। मैं हमेशा न्याय और सच्चाई का साथ दूंगा। अरे बेटा, अब करण बेटा, करण भैया। पानी अब सर के ऊपर हो गया है शारदा, मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रहा है करण। शारदा। हाँ जी। आखिर ये करण कहाँ गया है? मालूम नहीं जी।
सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम करण, प्रणाम। आओ आओ। सर आज मैं आखिरी फैसला करके आया हूँ। बेटा तुमने बहुत सही फैसला किया है, आओ बैठो। आप भी बैठिए। ठाकुर चचा, ऐसा सही फैसला तो मैं रोज ही करता हूँ, पर क्या फायदा, आज तक मेरी सेटिंग कहीं नहीं हो पाई। सर के सेवा करो, तुम्हारी भी सेटिंग हो जाएगी। बहुत मुश्किल बात है करण, बहुत मुश्किल। ठाकुर चचा, आपके लिए क्या मुश्किल है, मुझे भी किडनैप कर लो। हमारा यही धंधा है क्या बे? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि मुझे शादीशुदा या कोई सेकंड हैंड भी चलेगी। खामोश। क्या बोल रहा है? जाओ अंदर जाके मोहन से बात करो। चंपक, उधर से, पीछे से। जी 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 सर, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शादी नंदनी से ही करूंगा। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नंदनी बहुत अच्छी लड़की है। वाह बेटा वाह, आज हमारी सब चिंता खत्म हो गई। वैसे तो हमने बहुत सी शादियां करवाई हैं, लेकिन नंदनी की शादी हमारे लिए एक चैलेंज थी। सर एक चैलेंज और है, मेरे पिताजी मेरी शादी नहीं होने देंगे, और मैं महाभारत के अर्जुन की तरह धर्म संकट में फंस गया हूँ। मैं नंदनी को हर हाल में अपनाना चाहता हूँ, लेकिन अपने बाबूजी को भी नहीं छोड़ सकता हूँ। देखो करण, चिंता मत करो, विक्रम सिंह और तुम्हारी शादी के मंडप के बीच में राजा ठाकुर नाम की चट्टान है। सर मैं एक वादा आपसे और चाहता हूँ, मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे करण, विक्रम सिंह से मैंने दावा किया है, वो शादी में दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने जरूर आएंगे, उनको कुछ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी जाओ, हम तुमसे वादा करते हैं। थैंक यू सर। कौन आया होगा इतनी रात को? राजा भैया। राजा ठाकुर। प्रणाम। प्रणाम। राजा ठाकुर, आप? क्या बात है? क्यों ठाकुर साहब, हम यहाँ नहीं आ सकते हैं? अरे भाई, आप ही का घर है। वैसे इस वक्त हम अपनी बहन नंदनी से मिलने आए हैं। है कहाँ नंदनी? बुलाती हूँ। नंदनी बेटा। हाँ माँ। अरे राजा भैया, प्रणाम भैया। प्रणाम। देखो नंदनी, हम तुम्हें यहाँ ये बताने आए हैं कि तुम्हारा घर बसने का टाइम आ गया है। क्या? क्या आप सच कह रहे हैं? देखिए ठाकुर साहब, हम अपनी रंजो की तो शादी नहीं करा पाए, लेकिन इस गांव की हर दुखियारी बहन की हमने रंजो समझ के शादी कराई है। अब हम नंदनी का घर बसाएंगे, हमने अपना वादा पूरा कर दिया। भैया, करण खुद ही शादी करना चाहता है। हाँ रंजो। भैया। अरे नंदनी। क्या हम आपके रंजो नहीं हो सकते? जाओ। लेकिन ठाकुर साहब, विक्रम सिंह नाम के उत्तुफान। ठाकुर साहब, आप शादी की तैयारी कीजिए, उस तूफान से निपटने के लिए ये राजा ठाकुर मौजूद है। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण जय मंगलम पुंडरीका जय मंगला एतनो हरि, वर को बुलाइए। वाह करण वाह, कितने सुंदर, कितने अच्छे, एकदम राजकुमार लग रहे हो। बैठो बेटा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते, कन्या को बुलाइए। शुभ आशीर्वाद नंदनी, आओ। बैठो बहन बैठो। हाँ
अपने लड्डू जी के साथ लंदन तो चलोगी ना? वक्र तुंड महाकाय सुर कोटि समाप्रभा निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्वकारेषु सर्वदा क्षत लीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। पुष्प लीजिए कन्या को भी दीजिए। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमः तत्सै नमः तत्सै नमः तत्सै नमो नमः। हाथ वर के हाथ में दीजिए। ओम अग्नि देवताय नमः स्वाहा। ओम कुल देवताय नमः स्वाहा। ओम कुल देवताय नमः स्वाहा। ओम चंडिका आपने कहा था कि मेरी शादी में मेरे बाबूजी आशीर्वाद देने के लिए जरूर आएंगे। सर फेरों का टाइम हो गया लेकिन बाबूजी अभी तक कहीं दिखाई नहीं दिए। देखो बेटा, विक्रम सिंह को तुमसे ज्यादा हम जानते हैं। यहाँ शहनाई बजने से पहले विक्रम सिंह के युद्ध का बिगुल बज जाए। देख लो करण, तुम्हें आशीर्वाद मिलने की शुरुआत हो चुकी है। ठाकुर साहब, विक्रम सिंह के आदमी लोगों ने हमला कर दिया है। राजा ठाकुर, मेरे पापा को कुछ होना नहीं चाहिए। मोहन, अपने आदमियों को समझा दो कि सिर्फ विक्रम सिंह को अंदर घुसने दें। जी। बाकी आदमियों को रोक देना है। जी। चाहे जैसे भी हो। ठीक, चलो। मोहन जी, विक्रम सिंह को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जी। भले ही राजा ठाकुर की जिंदगी दांव पर लग जाए। देखो, विक्रम ठाकुर को गोली नहीं लगनी चाहिए। जिस बात का डर था वही हुआ। मुझे नहीं लगता ये शादी होगी। अब क्या होगा जी? ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन विक्रम यहाँ आकर क्या करेगा ये तो भगवान ही जाने। हौसला रखिए ठाकुर साहब, सब ठीक हो जाएगा। Thank you.
एक बंदूक, चल चल, कोई गोली नहीं चलाएगा। राजा ठाकुर, मेरा बेटा कहाँ है? आओ आओ विक्रम सिंह आओ, हमको तुम्हारा इंतजार था बहुत देर से। अपनी मौत का इंतजार करने वाले बेवकूफ, तुझे पहली बार देख रहा हूँ। अगर तुम्हारी बात सच भी मान लूं, तो हमारी भाषा में इसे बेवकूफी नहीं बल्कि मर्दानगी कही जाती है विक्रम सिंह, मर्दानगी। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं अपने बेटे करण से तो निपट लूं। कहा मेरा वो नालायक बेटा? आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पापा, आपका गुनहगार मैं हूं और सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। ये सब लोग बेगुनाह हैं। सजा तो सबको मिलेगी, पहले उस खून को मिलेगी जिसने अपने ही खून से बगावत करी है। मैंने तुझसे कहा था ना करण, अपने सगे बेटे को भी अपनी इज्जत से खेलने नहीं दे सकता। मैं आपकी सजा के लिए तैयार हूं। पिताजी, अगर कोई सबसे बड़ा गुनहगार है तो वो हम हैं। आज ये सारी लड़ाई हमारी वजह से है, और वैसे भी इनके बिना हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है। पिताजी, इनसे पहले हमें मार दीजिए, हम जीते जी अपनी आंखों के सामने इन पर एक हरौज भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पापा, ये लड़की पागल है, ये मेरे प्यार में अपनी जान दे देगी, लेकिन मैं ये अत्याचार नहीं होने दूंगा। देख लिया विक्रम सिंह, तुम्हारी एक गोली से दो जाने जाएंगी। अब ये दोनों दो जिस्म और एक जान हो चुके हैं, फैसला तुम्हारे हाथ में है। विक्रम, विक्रम, तुम तो मेरे दोस्त। तुम चुप रहो भानु, सब तुम्हारी गलती है। माना कि मैं अपनी औकात भूल गया था, लेकिन तुम हमसे नंदनी के बाप बनकर मिले थे, लेकिन एक बार भी दोस्त बनके विक्रम सिंह के बजाय विक्रमा कहके एक थप्पड़ मारते तो मुझे अपनी 16 साल पहले की हैसियत याद आ जाती। विक्रम, मेरा मतलब विक्रमा। भानु, मुझे माफ कर दो भानु, माफ कर दो मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा हुआ कि आज हमारे खून ने ही हम दोनों को मिला दिया। इसका हकदार एक ही आदमी है विक्रम, वो है राजा ठाकुर। राजा ठाकुर, मुझे माफ कर दो राजा ठाकुर, मुझे माफ कर दो विक्रम। राजा ठाकुर, पापा। अरे ओ राजा ठाकुर, जब तक मैं तेरी लाश नहीं गिरा दूंगा तब तक मेरे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अरे मैंने तो सोचा था कि तुम दोनों आपस में लड़ के मर जाओगे, लेकिन लगता है अब ये शुभ काम मुझे ही करना पड़ेगा, समझा क्या? ये क्या किया विक्रम सिंह? यादव, मोहन, मोहन, तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया रे। नहीं भानु, पापा, एक गंदा खून बह जाने दो, इससे शायद मेरा कुछ पाप कम हो जाएगा। मैंने
बहुत पाप किए हैं भानु। नहीं पापा, उसकी सजा नहीं, तो मिलेगी ना मुझे। नहीं पापा, चुप हो जाओ बेटा। कुछ नहीं होगा पापा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा पापा। आपको चुप हो जाओ बेटा। मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा पापा। पापा मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ बेटा। नहीं पापा। नंदिनी, चाचा जी आप पापा को संभालिए। नंदिनी मुझे माफ कर दीजिए। करण, तूने मेरे पापा पे गोली चलाई, तूने मेरे पापा पे गोली चलाई। शुभ आशीर्वाद, सदा सुखी रहो, खुश रहो। आओ विक्रम, मुझे माफ कर दो राजा ठाकुर। अरे नहीं, मुझे माफ कर दो। गले लग जाओ। माफ कर दो, हम सब कुछ भूल चुके हैं भानु, मेरे दोस्त।